तभी कोली का काम करने वाली कंडे गांव की नीलम मुखिया बन गई, लेकिन क्षेत्र के लिए इतना काम किया कि पिछले 15 सालों से लोगों ने उसे मुखिया ही बनाए रखा है। सादगी से जीने वाली नीलम आज कमरे की सबल महिला का परिचय दे रही है। महिला दिवस पर नीलम तिर्की पर हमारी ये रिपोर्ट देखें। इस टूटी हुई झोपड़ी को देखकर अनुमान लगाना मुश्किल है कि कमरे पंचायत की मुखिया इसमें रहती हैं। यही घर उनका परमानेंट घर है और वो भी पिछले 15 सालों से इसी गांव की मुखिया हैं। नीलम की झोपड़ी जर्जर हो गई है, जिस पर प्लास्टिक डला हुआ है ताकि बारिश में घर बचा रहे। लेकिन जरा इस सड़क का हाल देख लीजिए, पीसीसी सड़कों का हाल देख लीजिए, सारी चीजें आपको चकाचक मिलेंगी। शायद यही कारण रहा होगा कि लोगों ने इन्हें 15 सालों से मुखिया बनाए हुए रखा है। एक होता है कि मतलब एक रहिसी वाला, और थोड़ा हम मुखिया है तो एकदम कहीं भी हम जाए तो थोड़ा हाई फाई या फिर बड़ी गाड़ी वैसा मेरा नहीं है। और आज भी मेरा घर में एक गाड़ी भी नहीं है, गाड़ी है तो वही बाइक है, स्कूटी है, तो हम कभी भी जाते हैं तो उसी से मेरे बच्चों के साथ जाते हैं। नीलम मुखिया है लेकिन वो खेतों में काम करती है, बकरियों को चारा डालती है, घरों में खुद सफाई भी करती है और लोगों के काम भी देखती हैं। फिर एक बार मुखिया का चुनाव लड़ा और जीत गईं। उसके काम से प्रभावित होकर लोगों ने इन्हें लगातार 3 बार इस क्षेत्र से जिताया है। इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। गांव को एक समान देखते हैं, कोई गरीब कोई रहेस को नहीं जानते हैं, जैसे वो गरीब में बीतते हैं वैसे सबको एक प्रकार से बराबर नजर से देखते हैं, जो भी काम करते हैं सबके लिए बराबर काम। नीलम की सादगी और ईमानदारी सिर चढ़कर बोल रहा है, हर कोई उनका गुणगान करता नजर आया है। अभावों में पली इस महिला ने अबला के तबके को उतार फेंका और एक सबला के रूप में अब सबके सामने आ रही है। रांची से विक्की वर्मा की ये रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।